नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन के एक नए फीचर के बारे में। अभी अगर आपने iOS 12 पे अपडेट किया है अपना आईफोन, तो आपने एक नया फीचर देखा होगा स्क्रीन टाइम करके। ये देखिए मेरे पास आ रहा है स्क्रीन टाइम, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कुछ। इसके लिए सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन टाइम का फीचर है। स्क्रीन टाइम बेसिकली क्या है? स्क्रीन टाइम आपको बता देता है कि आपकी जो स्क्रीन है कितना समय के लिए ऑन हुई और कितने कौन कौन सी चीज़ के लिए ऑन हुई है। ये यहाँ पर बता रहा है 38 मिनट आज मैंने स्क्रीन को ऑन किया है, ठीक है, जिसमें से 11 मिनट मैंने सोशल नेटवर्किंग पे गुजारे हैं, 9 मिनट मैं रीडिंग एंड रेफरेंस पे रहा हूँ और 3 मिनट अदर है ये, ठीक है। तो ये है स्क्रीन टाइम, जो अभी नया फीचर आईफोन एप्पल ने ऐड किया है अपने आईफोन में। तो ये अभी iOS 12 पे ही अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आज ही इसको अपडेट किया था अपने आईफोन को, तो ये दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे पासकोड लगाने का, अगर पासकोड लगाएंगे तो तभी स्क्रीन टाइम नज़र आए आपको, तो वो यहाँ से कर सकते हैं आप, यहाँ से पासकोड आप सेट कर सकते हैं। तो ये था क्विक वीडियो, मैं बस यही आपको दिखाना चाहता था। हाँ, और लास्ट में यही बता देता हूँ, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ स्क्रीन टाइम, यहाँ से आप टर्न ऑफ ही कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को, ठीक है। तो यही था सारा वीडियो, तो आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा आज आईफोन के बारे में, और फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।